हाँ जी, तो आज की वीडियो है कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स के ऊपर जो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फॉलो करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए। ये सारी हैबिट्स आपसे शेयर करती जाऊंगी, हो सकता है आप भी इम्प्लीमेंट करें तो आपको आपकी लाइफ में फ़ायदा हो। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। जिस टाइम पे आजकल आप उठ रहे हैं उससे थोड़ा जल्दी उठना शुरू करें। सो पॉइंट नंबर वन, यानी कि हैबिट नंबर वन, थोड़ा जल्दी उठना। और 6 बजे उठ के मैं बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ, वहाँ थोड़ी देर बैठ के इन्जॉय करती हूँ फ्रेश एयर को, सन के उगने का वेट करती हूँ। उसके बाद हेल्दी हैबिट नंबर टू है कि कुछ भी हेल्दी ड्रिंक आप कंज्यूम करें एम्प्टी स्टमक पर। जब आपका पेट खाली होता है मॉर्निंग में, चाय या कॉफ़ी की बजाय कुछ हेल्दी पिएं। तो मैं आजकल पीती हूँ सेसा आयुर्वेदिक, जो ब्रांड है इनका हेयर केयर जूस। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए और मुझे अपनी ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो रादर देन चाय या कॉफ़ी या बिस्किट या यू नो, जो भी आपको पसंद है खाना, उसकी बजाय कुछ भी हेल्दी आप ज़रूर पिए। ये जूस के बारे में मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ कि ये पल्प के साथ आता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ग्रैनुल्स आपको दिखते हैं, तो रफेज काफ़ी है इस जूस में। प्लस अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर ग्रे हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये जूस, क्योंकि इसमें है आंवला और इसमें है एलोवेरा। नरिश करता है आपके स्कैल्प को और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। फ्रिंगराज जो है वो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। और दारू हरिद्रा यानी कि आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो आप चाहें तो इसका 30 ml का शॉट डायरेक्टली ले लें, या फिर इसको आप पानी में मिला के डाइल्यूट भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से ही इसे लेती हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे मिली है अपनी हेल्थ में। कोई भी एडेड शुगर या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या इसमें कलर्स ऐड नहीं किए गए हैं। इस जूस में विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। सो इट्स अ वेरी गुड ड्रिंक सुबह कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ड्रिंक को कंज्यूम करने के बाद कम से कम 45 टू 1 घंटे के लिए मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। और अब आपको बताती हूँ कि जब मैं उठती हूँ तो मेरा किचन कैसे दिखता है। पूरे घर में लाइट्स ऑफ होती हैं, सिर्फ किचन की एक लाइट ऑन होती है, जो कि ऑन की होती है मेरे हस्बैंड ने, बिकॉज़ मेरे उठने से पहले 5 बजे ही वो अपना बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं। और वो भी एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हैं एक आयुर्वेदिक जूस, जो कि हेयर एंड वाइटलिटी बूस्टर है, यू नो, पुरुषों के लिए यानी कि मेन के लिए। आगे हम उन्हीं की आवाज़ में सुन लेते हैं कि उनको ये जूस पीने के बाद कैसा लगा, क्या फ़ायदा नोटिस किया उन्होंने। लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। सो आई स्टार्ट माई डे एट 5 in the morning और मैं सुबह उठ के खाली पेट एक आयुर्वेदिक जूस लेता हूँ। उसका नाम है सेसा वेलनेस आयुर्वेदिक हेयर एंड वाइटलिटी बूस्टर फॉर मैन। I used to be a sports person during my college or school time mein, but after a gap of 10-15 years I'm ab sports dobara start kiya hai, to ayurvedic juice se mujhe kuch strength milti hai, jaise isme shilajit hai, jisse vitality aur stamina increase hota hai, longevity increase hoti hai, ashwagandha hai isme jisse strength milti hai, aur isme trifla bhi hai jisse hair fall ko prevent किया जा सकता है। सो ओवरऑल ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आई लाइक टू कंज्यूम इट डेली। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो जाता है मुझे जूस पी के, अपना थोड़ा बहुत काम वाइंड अप करने के बाद, और अब आप देख सकते हो कि सुबह का सूरज निकलना शुरू हो गया है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ऑरेंज कलर है ना कि येलो, और घर के अंदर तक वो ऑरेंज कलर आ गया है मेरी वॉल्स पे। देन मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा पानी गरम कर लेती हूँ अपने लिए, और अभी थोड़ी देर पहले, ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले मैंने वो शॉट लिया था जूस का। उसके बाद मैं थोड़ा सा वार्म वाटर पीती हूँ। वार्म वाटर एम्प्टी स्टमक पे पीने से
हमारी बॉडी में जो विसरल फैट है वो मेल्ट होता है, प्लस आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक मिल जाता है। इसके बाद सुबह सुबह नारियल डिलीवर हुए थे, वो मैं रखने जा रही हूँ किचन में। ये डेली का रूटीन है मेरा, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। और अब मैं जगह बना रही हूँ मेरे योगा करने की प्रैक्टिस के लिए। तो सोफे खिसका दिए हैं आगे और अपना मैट बिछा लिया है। योगा शुरू करती हूँ मैं सूर्य देवता को नमस्कार से। ये थर्ड मेरी गुड क्वालिटी है जो कि मैं चाहूँगी आप भी अपनाएं। दिन की शुरुआत करें उस सुप्रीम पावर या यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के साथ। जिसको भी आप मानते हैं उसे थैंक यू बोलें एक नया दिन आपको देने के लिए। बी ग्रेटफुल, अपना ग्रैटिट्यूड शो करें। उसके बाद मुझे लगता है पूरा एक घंटा योगा करने में। योगा जो मैं फॉलो करती हूँ ना रूटीन, उसका पूरा एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आप भी ये फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी बड़े आराम से घर में फॉलो कर सकता है, आप ज़रूर वो वीडियो देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का डाल दूँगी। योगा से ना मुझे फिजिकली बल्कि मेंटली स्ट्रेंथ मिलती है। और योगा करने के बाद मैं खा रही हूँ भीगे हुए काले चने और भीगे हुए बादाम और चिया सीड। इनको भिगोना की ड्यूटी मेरे हस्बैंड की होती है। तो ये है गुड हैबिट नंबर 4, रात को सोने से पहले अच्छी चीज़ें भिगोएं और सुबह खाएं। और वहीं अपने योगा मैट पे बैठ के मैं इसे इंजॉय करती हूँ। थोड़ा सा छोड़ देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, थोड़ा मेरे लिए, और आराम से सूरज उगता हुआ इंजॉय करती हूँ। अब बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट एंड लंच की सब्ज़ी बनाने की। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं लंच पे दोबारा किचन में खड़ी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बनाना है सुबह ही बना लूँ, कम से कम लंच की सब्ज़ी और ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और चौलाई की सब्ज़ी प्लस पोहा। मेरे पास जो हाउस हेल्प आती है उनके थ्रू मैं कुछ सब्ज़ियाँ छिलवा के एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि यूट्यूब के साथ, फैमिली मेंटेन करने के साथ, घर मेंटेन करने के साथ, आई हैव अ बेबी आल्सो, उसका ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों में मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। सो जितनी हेल्प मुझे मिल पाए मैं लेने की कोशिश करती हूँ। तो एक साइड मैंने रख दी है सब्ज़ी और दूसरी साइड मैं रख रही हूँ पोहा। पोहा थोड़ा गुजराती स्टाइल में मुझे पसंद है, थोड़ा खट्टा मीठा वाला टाइप्स। और आलू काट लिए हैं सब्ज़ी के लिए, पोहे के लिए गाजर, प्याज, एवरीथिंग जो भी आप डालना चाहें इसमें डालें। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और राई और कड़ी पत्ते का तड़का आप लगा सकते हैं इसके अंदर प्याज के साथ। और पोहा हल्का सा गीला करके, एवरीबडी नोस कैसे इसको बनाना है। तो गुड हैबिट नंबर 5 है कि आप अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, होलसम ब्रेकफास्ट करें। कंजूसी ना करें एक तो ब्रेकफास्ट करने में, प्लस स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गुड क्वालिटी नंबर 6 है कि टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसका मैनेजमेंट सीखे। अगर लंच में टाइम नहीं मिलता है तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही सब्ज़ी बना ली मैंने। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई टाइम। बाय द टाइम सब कुछ रेडी होता है, मेरे हस्बैंड भी आ चुके होते हैं, देन हम दोनों ही बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं, कभी कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी बालकनी में, और कभी मौका मिले तो मैं चम्पी भी कर देती हूँ उनकी। ही इंजॉयज़ दैट। और उनके बालों की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, एंड ही यूजेस दिस ऑयल फ्रॉम सेसा आयुर्वेदा, 100% आयुर्वेदिक ऑयल है। इट्स कॉल्ड हेयर वाइटलाइजर फॉर मेन, और बालों में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ये एक कंप्लीट रिजीम है, हेयर एंड वाइटलिटी बूस्टर जूस प्लस ये जो ऑयल है जिसका नाम है हेयर वाइटलाइजर फॉर मेन। अगर आप दोनों ही फॉलो करते हैं रिलीजियसली तो आपके बाल और आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ये जो ऑयल है ये एक एंशियंट टेक्निक जो कि 5000 साल पुरानी है, जिसमें गाय के दूध में 19 हर्ब्स एंड ऑयल्स को 22 से 23 घंटे के लिए पकाया जाता है और तब जाके ये ऑयल तैयार होता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है फॉर हेयर। इस वीडियो में जो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी कुछ हेल्दी मॉर्निंग हैबिट्स जो हम दोनों ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन लीड अ हेल्दी, हैप्पी एंड अ स्टेबल एंड जॉयफुल लाइफ।
आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग काइंड ऑफ अ वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी डिफरेंट करने की मैंने कोशिश की है और बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेमेडी या मे बी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर फॉर सेल्फ गाइस, बाय बाय।